हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसपी पेंटिसी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेनकोट रिसर्च स्टूडेंट T10 के बारे में, जो कल दोस्तों DIF4 HUD एंड रिजू गार्डन IF4 HUDING के बीच जो कल दोनों टीमें नहीं है दोस्तों, जो कल खेला जाएगा मैच उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको डेडलाइन से 5 मिनट पहले मैच की फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तथा अगर मैं कोई ऐसे प्लेयर का स्टेटस बता दूं जो प्लेइंग 11 में है और मैंने स्टेटस नहीं बताया दोस्तों उसका, तो उसका स्टेटस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं हम HUD की। HUD और DIF जो टीम है दोस्तों, दोनों की प्रोबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोस्तों। मैं श्योर तो नहीं कर सकता कि ये दोनों टीमों में जो प्लेइंग 11 है दोनों सेम ही रहेगी दोस्तों, लेकिन हाँ 100 से 90% दोनों प्लेइंग 11 सेम रहेगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई बाई चांस ऐसा प्लेयर आ जाता है जिसका मैंने स्टेटस नहीं बताया तो उसका स्टेटस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे DIF के बारे में, तो दोस्तों इनकी ओर से मिचेल ओकोनर ओपन करेगा। 4 ECS के मैच खेले जिसमें 128 रन बनाए, 43 के एवरेज के साथ बेहतरीन प्लेयर है। फिर आता है दोस्तों रिची रॉबिन जिसने 6 मैच में 116 रन बनाए 38 के एवरेज के साथ, ये भी बेहतरीन पिक है दोस्तों। शादाब चौधरी है दोस्तों, शादाब चौधरी ने 6 मैच में 56 रन बनाए 56 की एवरेज, तथा 7 विकेट ले 11 ओवर करके, तो प्रॉपर बॉलिंग कर रहा दोस्तों और अच्छी खासी बैटिंग कर रहा, तो आपके लिए बेहतरीन पिक है कैप्टन और विसी के लिए। डेनियल निसाला की बात करें तो 6 मैच में 39 रन बनाए, तो इतना कुछ खास प्लेयर है नहीं। अंकित दुबे की बात करें तो 6 मैच में 42 रन बनाए 21 के एवरेज के साथ और 6 विकेट ले 9 ओवर करके, तो पूरी बॉलिंग की इसने भी। वोएंड वसुप ने दोस्तों 6 मैच में जो इससे खेला गया था उसमें तो इसको बैटिंग नहीं मिली, लेकिन दोस्तों जो उससे पहले जो स्वीडिश T10 खेला गया था स्वीडिश में, उसमें 5 मैच में 95 रन किए 23 के एवरेज के साथ, तो एक सिर्फ बैट्समैन ही है तो इतना खास प्लेयर लगा नहीं मुझे। असीम बुखारी दोस्तों 6 मैच में 17 रन बनाए और 2 ओवर की 2 विकेट लिए, तो बेहतरीन प्लेयर है। सर्ज कोने की बात करें तो दोस्तों 6 मैच में 9 विकेट लिए 12 ओवर करके, तो बेहतरीन बॉलर है, आप इसको जरूर ट्राई करना। लायम कार्लसन की बात करें तो 5 मैच में 6 विकेट रहे, भी बेहतरीन पिक है दोस्तों, 9 ओवर की बॉलिंग इसने भी। प्रशांत शुक्ला की बात करें तो 5 मैच में 6 विकेट रहे 12 ओवर करके, बेहतरीन पिक है। ए भगत को दोस्तों इससे जो हुआ था उसमें तो नहीं खेला, लेकिन जो स्वीडिश T10 हुआ था उसमें 10 मैच में 90 रन बनाए 45 के एवरेज, बहुत नीचे बैटिंग करता तो मैं अपनी टीम में इसको प्रेफर नहीं करूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों HUD की प्रोबल 11 की। तो दोस्तों तरीक जुवाक ओपन करेगा जिसने 6 मैच में 101 रन बनाए 33 के एवरेज के साथ और 5 विकेट लिए 8 ओवर बॉलिंग करके, बेहतरीन पिक है दोस्तों, जरूर ट्राई करना आप इसको। फिर दोस्तों इमाल जुवेक की बात करें तो इमाल जुवेक ने 6 मैच में 239 रन बनाए 239 की एवरेज के साथ, बेहतरीन प्लेयर दोस्तों, तो आप जरूर ट्राई करना इनकी टीम में, जुवेक बहुत हैं। सैमीउल्लाह रहमानी जिसने 6 मैच में 97 किए 32 के एवरेज के साथ दो 2 विकेट 6 ओवर करके, तो भी बेहतरीन पिक है। आर खान की बात करें तो 4 मैच में सिर्फ 1 रन बनाए SCS T10 में और दोस्तों स्वीडिश T10 थे उसमें 5 मैच में 40 रन बनाए 20 के एवरेज के साथ। नवाज इकबाल ने 27 मैच खेले दोस्तों T20 के जिसमें 231 रन बनाए और 37 विकेट लिए 85 ओवर करके। अच खान को दोस्तों 4 मैच में 1 रन किया और 3 विकेट मिले 6 ओवर करके। सीड अहमद ने 6 मैच में 30 रन बनाए 3 विकेट लिए 6 ओवर करके। यमा मसूद ने T20 के लिए दोस्तों 21 मैच की 62 रन बनाए और 25 विकेट लिए 54 ओवर करके। वकील जलाजी 27 मैच में 338 रन बनाए 20 विकेट लिए 74 रन ओवर करके। और अकमल जुवेक ने दोस्तों 19 मैच में 92 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया। और अहमद जाई ने दोस्तों 7 मैच खेले T20 की जिसमें 37 रन बनाए और 5 विकेट लिए 28 ओवर करके। अब चलते हैं ड्रीम टीम की ओर, तो दोस्तों अब चलते हैं ड्रीम टीम की ओर। दोस्तों इतनी मेहनत की है, अगर आप तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। विकेट कीपर में आपके पास दोस्तों 3 ऑप्शन है, एमओ कॉर्नर रोबिन्स और भगत। दोस्तों भगत तो इतना खास प्लेयर है नहीं, आप रोबिन्स और कॉर्नर दोनों को ट्राई कर सकते हो, दोनों अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे। मैं दोस्तों बिग लेग कॉर्नर को लूँगा, मुझे ऑलराउंडर में बेस्ट 4 पिक लेनी है, इसलिए नहीं तो मैं रोबिन्स को जरूर लेता। फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना। दोस्तों बैट्समैन में मैं लूँगा बुखारी जो एक बेहतरीन पिक रखता है। ए जुवेक इतना खास प्लेयर है नहीं, लेकिन दोस्तों बाद में जब पता चलेगा लाइनअप के बाद कि इसके अलावा कोई और भी खेल रहा था उसको ले लेंगे। और सीड अहमद बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। ऑलराउंडर में चौधरी, टी जुवेक, ए दुबे और असलम अंबानी को छोड़ना नहीं, आप चाहो तो नासिर इकबाल को जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग में। नासिर इकबाल है, जलाजी, ये सारे बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों।
बॉलिंग में दोस्तों मैं लूँगा अस्कोनी को, फिर लूँगा कार्लसन जो बेहतरीन बॉलर है, और फिर मैं नीचे लूँगा दोस्तों भाई मसूद को। आप चाहो तो अजुबे को ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मेरी टीम है दोस्तों, कैप्टन विसी की बात करें तो बेहतरीन पिक रहेंगे दोस्तों कैप्टन विसी टी जुआ कैप्टन रहेंगे, और असलमानी विसी, तो दोनों बेहतरीन पिक के लिए कैप्टन विसी के लिए। आप चाहो तो अंकित दुबे को भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन विसी के लिए। जैसा कि मैंने आपको रिकॉर्ड स्टेट्स बताया था अंकित दुबे का, अंकित दुबे ने 6 मैच में सिर्फ 42 रन बनाए और 6 विकेट लिए, तो बैटिंग बहुत डाउन करता है, लेकिन आप करंट लीग में इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी जनता सारी अंकित दुबे के पीछे भाग रही है, लेकिन पहला मैच है तो आपको अच्छी खासी विन करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।